सर मैं ये हॉस्पिटल गुड लाइफ हॉस्पिटल जो कि अभी दूसरे नाम से चल रहा है, शानमुखी हॉस्पिटल के नाम से चल रहा, मैं अपने पेशेंट को यहाँ पे लेके आई जिसको अम्बिलिकल हर्निया हुआ था। मैं ये हॉस्पिटल को मैं भी एक BUMS डॉक्टर हूँ, मैं अपने कलीग डॉक्टर बेग के जरिए मैं यहाँ पेशेंट को अपने लेके आई। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था? अम्बिलिकल हर्निया सर जी। पेट की परत फट के अंतड़ी उसके बाहर आती, वो प्रॉब्लम थी। उसके लिए हम डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर बेग हमारे को जनरल सर्जन है यहाँ पे, आके बात करो बोल के बुलाए। डॉक्टर सर देखे OT में, कैजुअल्टी में लिख जाके पेशेंट को लिटा के करके देखे, देख के पेशेंट मोटा है, तो हम जभी भी बोल रहे हैं पेशेंट बहुत ओबेस है, हमारे को लैप्रोस्कोपी में होना, क्योंकि पेशेंट मेरा मोटा है, मैं टाके सूखने करने की ये सब प्रॉब्लम आने की वजह आएंगी, दोबारा ऐसा नहीं होना, बल्कि मेरे को लैप्रोस्कोपी में ऑपरेशन होना। तो वो सर मेरे को डॉक्टर सुरेश सर और डॉक्टर बेग सर 80,000 का पैकेज बताए। वो सुन के हम खामोश चले गए सर, यहाँ से कुछ भी नहीं बात करे। उन्होंने अपनी तरफ से बोल लिए पेशेंट ऐसा नहीं करना, पेशेंट के पूरे प्रिकॉशंस बता दिए, हम सुन के उनसे चले गए। उन्होंने कन्विंस करे हमको, नहीं जी तुम बोलो कितने में होना, नहीं सर मेरे पास इतनी सकत है, मैं 50,000 तक कर सकती हूँ, उसके आगे नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं यहाँ से जाके श्रियास हॉस्पिटल चंपापेट डॉक्टर सत्यनारायण, मैं उनके पास ड्यूटी करी थी, मैं उनके पास गई, यहाँ से निकल के मैं उनके पास गई, फौरी उनके पास गई। वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे मेरे लिए, उन्होंने वहाँ पर आए, आके पेशेंट को देखे, उन्होंने भी एनेस्थेटिस है, उन्होंने देख के बोले नहीं जी पेशेंट बहुत मोटा है, इसको ओपन नीच करना पड़ता, मैं 30,000 में करता हूँ। तो हमको लैप्रोस्कोपी में कराना था बोल के 30 की जगह 20 का और क्या करना है भाई, पेशेंट कम एज की है, 23 साल की है पेशेंट, उसकी एक 3 साल की बच्ची है। यहाँ पर आए सुबह 9:30 बजे, कल आके ब्लड टेस्ट दिए, आज सुबह 9:30 बजे यहाँ पेशेंट को लेके आए थे हम लोग, लेके आए बस से पेशेंट को 2DA को कार्डिया कंसल्टेशन के लिए, वो लोग 8 बजे आने की जगह 9:30 को आए तक पेशेंट डॉक्टर चले गए, फिर 4 बजे आके कंसल्टेशन लिए। मैं भी अपनी क्लिनिक कर रही थी, मेरे को भी थोड़े घर के काम थे तो मैं नहीं आई, पेशेंट इनके हस्बैंड के साथ भेज डाली थी मैं पेशेंट को। पेशेंट को सर मैं पेमेंट नहीं दी बल्कि कैजुअल्टी में एक बेड पे रखे सर, कब तक 6:30 तक एक ही बेड, रूम भी अवेलेबल नहीं करे क्योंकि हम पेमेंट नहीं करे, 15,000 डिपॉजिट करे थे हम सिर्फ। फिर मेरे को यहाँ से कॉल आ रहे हैं दीदी पेमेंट नहीं बने, पेमेंट सर्जरी से पहले पूरा पेमेंट कर दो बोले सर, जो कि कोई हॉस्पिटल का ऐसा रूल नहीं है, पूरा पेमेंट हम वन टाइम में देने का, हमारे पास टाइम रहता हम डिस्चार्ज तक उसका टाइम ले सकते। अब ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले क्या बोल रहे हैं आपको? सर हमको मेरे को देखिए सर, डॉक्टर बेग जो मेरे पहचानत के हैं ना, उन्होंने क्या बोले, मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ, मैं क्या डाल रही कर रही। मैं उनको बोली सर मैं भी डॉक्टर ही सुना सर, मेरे लिए परमिशन लियो, मैं ऑपरेशन थिएटर में रहती हूँ मेरे पेशेंट के साथ। तो वो बोले नहीं खतीजा, ये दूसरा हॉस्पिटल है ना, हम नहीं दे सकते, मैं आपको पूरा आपको लाइव टेलीकास्ट देता हूँ। उन्होंने नहीं दिए मेरे को तो वो ये जो ऑपरेशन करे विदाउट परमिशन करे आप लोग? जी हाँ, विदाउट परमिशन। मेरे का वीडियो आया सर, पूरा ऑपरेशन हो गया, जो डॉक्टर सुरेश है उन्होंने जा रहे हैं वापस निकल रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से निकल रहे हैं। तो मैं पूछ रही सर मेरा पेशेंट कैसा है, बोल तो शी वॉज ओके, हाँ विद इन 1/2 आवर हम पेशेंट को शिफ्ट करते। तो मैं वो डॉक्टर को जाते वक्त भी पूछ रही हूँ कि ड्रेन लगाए क्या सर, ड्रेन कब लगाते, यूजुअली अंदर कुछ सीक्रेशंस है वगैरह है तो ड्रेन, नहीं नहीं ड्रेन नहीं लगाए बोले सर, अभी पेशेंट को ड्रेन लगे हुआ है, मैं जब जाके देख रही हूँ पेशेंट को ड्रेन लगे हुआ है। यहाँ पे इतनी नेग्लिजेंसी है सर, विदाउट इंटीमेशन ओपन करे, हमको लैप्रोस्कोपी का पैसा लिए लेकिन ओपन कर दिए पेशेंट को। मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है आप लोग? मैनेजमेंट का बिहेवियर तो आप पूछिए नहीं, सब सिर्फ हॉस्पिटल को बचाने के चक्कर में है, पेशेंट की इनको कोई फिक्र नहीं है। बिना अटेंडर के सर आप पेशेंट को एक गोली भी नहीं दे सकते, पेशेंट के अटेंडर से पूछ के आपको कुछ भी काम करना है। ऐसी बड़ी क्या क्रिटिकल कंडीशन आ गई सर, जो हमको ऑपरेशन थिएटर में भी बुला के बता सकते थे कि पेशेंट की ये प्रॉब्लम है। अगर आप लैप्रोस्कोपी ट्राई करके फिर करते तो हम मानते थे कि पेशेंट की लैप्रोस्कोपी नहीं होके फिर ओपन करे, आप डायरेक्ट ओपन करे सर, आप कंप्लेन करे जी। अभी हम कंप्लेन पुलिस वालों को दबी बुलाए सर, जैसा वीडियो देखे वो देखे, डॉक्टर बेग को कॉल करी तो डॉक्टर बेग फोन स्विच ऑफ कर लिए, दिल्ली में चले गए, मेरा फोन कहाँ है देखिए आप, उनका मैसेज मैं बताती हूँ। ये चेतनियापुरी पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले हमको ये बोल रहे हैं कि सर थोड़ा हम सुबह डॉक्टर आएंगे 7 बजे, डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस होंगी, काउंसिलिंग होंगी, क्या बोलते वो देख के आप एक्शन लियो बोल रहे हैं सर। पेशेंट का जब पुलिस वालों को जब बुलाए ना सर, तब वो लोग बोले कि अभी पेशेंट का कंडीशन ठीक है ना, आप लोग थोड़ा वेट कर लो सुबह, कैसा भी डॉक्टर जितने हैं सबको बुलाते बोले, पुलिस वाले जितने भी इसके पीछे हैं सबको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, अगर आप जो चाहे वो करेंगे पेशेंट के डॉक्टर्स के साथ। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाने के बाद मेरे को नर्स आके बोल रहे हैं पेशेंट को यूरिन फील हो रहा,
यूरिन कैथेटर लगाना, आप लोग बोलिए नॉर्मली भी, आप लोग अगर नॉर्मली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं सर, यूरिन कैथेटर पेशेंट को पेट काटे बाद से लगाते, जबकि पेशेंट को एनेस्थीशिया दिए बाद से पेशेंट के लोअर लिम काम नहीं करते, तो फिर कैथेटर कैसा, कौन सी पोजीशन में लगाएंगे आप? मेरे पेशेंट को दुनिया के तकलीफा दे रहे हैं सर, वो ड्यूटी डॉक्टर बोल रहा कि कैथेटर पोस्ट ऑप के बाद भी लगा सकते, अगर पेशेंट अगर ओटी के टेबल पे यूरिन पास हो गया तो क्या करते सर? हो सकता ना सर, पेशाब किसी को कभी भी आ सकता, हाँ तो प्री ऑप में लगाना है, पोस्ट ऑप में लगाना है, आप लोग ये मेरे को बोलिए। मैं तो नॉर्मल बीओएम, लोग ये मेरे को बोलिए, मैं तो नॉर्मल बीओएमएस डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस की नॉलेज रख के बात कर रही हूँ सर, अगर मेरे को नॉलेज है बल्कि ठीक है मेरे पेशेंट का, मैं इतना डिफेंड कर रही हूँ, नॉर्मल इंसान क्या करना है सर? नॉर्मल जो आम इंसान है, डेड बॉडी लेके जाना है यहाँ से? हमको नॉलेज है, हम देख रहे हैं हमारे पेशेंट को, आप पूरी रात जगे हुए सर। पहले तो ये एक कार ड्राइवर है, ये कार ड्राइवर 50,000 कहाँ से कराऊंगा? इसकी बीवी की लाइफ सिक्योरिंग के लिए ये लैप्रोस्कोपी के लिए जाना चाह रहा था, जो कि सिर्फ एक एक इंच के दो टाके लगते थे सर, उसको 3-4 इंच का पेट काट के छोड़ दिया बिना इन्फॉर्मेशन के। अभी आप हुकूमत से, पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? मेरे को इंसाफ होना सर, मेरे को इंसाफ होना, मेरे को पैसा नहीं होना, मैं 50,000 मैं दूंगी, मैं पेशेंट डॉक्टर का पेट काटते बोलता बर्दाश्त करता डॉक्टर, पैसे के लिए ही ना सर, सिर्फ यहाँ वर्थ पैसे की है। अगर डॉक्टर भी ऐसा करे, इंसानियत में रखे, तो आम आदमी जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा? मेरे को नॉलेज है, मेरे को यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम मालूम, अब पेशेंट को अगर वो तकलीफ में पेशेंट कैरी कर लिया बल्कि यूरिन कैथेटर लग गया, नहीं तो यूरिन अगर जमा होते गया तो सुबह तक उसके टाकों का हाल क्या होना।